का भारत को इस खित्ते का चौधरी समझता है और वो समझता है कि वही तमाम चीजें यहां पे मैनेज करेगा। और जो इमर्जिंग अमेरिकन इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी, आई वुड से इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट। जो इंडिया ने चाइनीज टेरिटरी भी क्लेम की है और पाकिस्तान टेरिटरी भी क्लेम की है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन सलामती के लिए खतरा है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी 2018 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध अमेरिका के अलावे भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों से है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस तरह से चीन को नकेल कसा जा सकता है, और यह भी कहा गया है कि चीन को नकेल कसने में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लिहाजा यह जरूरी है कि अमेरिका भारत को आर्थिक, सैनिक और नैतिक रूप से भरपूर मदद करे। इस संबंध में कुछ और पहलुओं पर चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले पाकिस्तान मीडिया में कामरान यूसुफ और शहबाज राणा की जोड़ी इस संबंध में क्या कहती है, आइए सुनते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर क्लियरली अमेरिका की नजर में, मैं अगर आपको देसी जुबान में कहूं तो अमेरिका भारत को इस खित्ते का चौधरी समझता है और वो समझता है कि वही तमाम चीजें यहां पे मैनेज करेगा, और पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा इसकी मुखालफत करता रहा है। तो इस फ्रेमवर्क जो है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान के लिए? क्या पाकिस्तान को भारत को चौधरी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस खत्ते का? देखिए ना, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है कामना साहब, ये नोट कर ले जरा। इंडिया इज अमेरिकाज प्रेफर्ड पार्टनर, इंडिया इज द प्री एमिनेंट पावर इन द रीजन, यानी कि बालादस्त कुव्वत है। इंडिया इज द लीडिंग कंट्री टू गारंटी इंडियन एशियन सिक्योरिटी, एंड सबसे बड़ी बात, वी शुड एक्सेलरेट इंडियाज राइट, उसको तेजी से इंडिया को उभरने स्ट्रॉन्ग करें, एंड स्ट्रेंथन द इंडियन मिलिट्री, हिंदुस्तान की फौज को ज्यादा मजबूत करें। तो आपको पता है, ये तो पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट के खिलाफ है, और उन्होंने खुल के कहा है कि इसका मकसद है टू काउंटर चाइनाज राइज। तो ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है इंडो पैसिफिक का, और आपको पता है कि एक हफ्ता इलेक्शन से पहले 26 अक्टूबर को एस्पर जो डिफेंस सेक्रेटरी था और पोम्पियो जो वजीर खारजा है, वो दोनों गए दिल्ली और उन्होंने बेका एग्रीमेंट साइन किया, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, ड्रोन से है, साइबर वॉर से है। तो वो जो ये जो इंडो अमेरिकन अलायंस है, और ये जो आप दोनों फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है तो मैं एज अ लेमैन इसकी ऐसे इंटरप्रिटेशन करूं कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना, तो ये चाइना की वजह से सारी चीज हो रही है और पाकिस्तान को इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, या आप समझते हैं कि चूंकि चाइना के हम बहुत करीब चले गए हैं तो पाकिस्तान भी फिर चाइना के साथ ही इसमें वो रगड़ने की कोशिश को हो रही है जिस तरह वो चीन को टारगेट कर रहे हैं? जी, सियासत में, बैन अलावामी सियासत में होता है कि आप लाइंस जब ड्रॉ होती है, जो इसमें ड्रॉन है साउथ एशिया में, आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, और आपके दुश्मन का बेहतरीन दोस्त कौन है। अब इस वक्त अगर फोकस उनका हदफ चाइना है, लेकिन चाइना का बेहतरीन दोस्त पाकिस्तान है, और चाइना और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त हिंदुस्तान है इस खत्ते में, और उसका बेहतरीन दोस्त अमेरिका है, तो एक लाइन तो ड्रॉ कर ली गई है ना। और अगर वो पूरा फैसला उन्होंने किया है, हमें नहीं इसमें परवाह कि वो हमारा नाम है या नहीं है, उसको आप छोड़ें। वैसे भी आपने देखा कि अफगानिस्तान के ऊपर उनका सारा इनसार पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की रियासत में है। हमारे अमेरिका की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो हिंदुस्तान से मुंसलिक है, और उन्होंने एक फैसला कर लिया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा हिंदुस्तान है और उसी को सामने साथ लेकर चलना है। अमरीका जिस तरीके से इंडिया को प्रमोट कर रहा है एज अ बिग ब्रदर इन दिस रीजन, तो हमें कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी इंप्लीकेशंस तो पाकिस्तान की सलामती के लिए हैं, अगर भारत की आपकी दिफाई सलाहियत उसकी फौज को मजीद मजबूत करते हैं तो। ये जो कहते हैं ना, हमारा यार है, कोई किसी का यार नहीं होता, वो आपकी जरूरत होती है, रिलेशनशिप होती है, हमें ये समझ लेना चाहिए। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पैटर्न, फैक्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्या हकीकत है, सारा पैटर्न चल रहा है। अब ये जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है, बहुत से लोगों का ये बिल्कुल इस पे कंसेंसस है कि ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरा है, और फ्यूचर में जाहिर है कि मजीद टेंशंस बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तो हैं ही, क्या हमें बाकायदा तौर पर अब चीन के साथ, जिसे कहते हैं एक डिफेंस पैक्ट
कर लेना चाहिए कि मतलब अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है वो भारत हो या अमेरिका को इत्तेहादी हो तो वो चीन पर हमला, तो अगर फ्यूचर में ये सिनेरियो बनता है तो हमें चीन की इस तरह के डिफेंस पैक्ट की जरूरत पड़ेगी, व्हाट इज योर थॉट्स? देखिए जी, एक तो बड़ा वाज़े क्लियर है कि जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक का जो 12 जनवरी को अनवेल हुआ है और जो इमर्जिंग अमेरिकन इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी आई वुड से इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट, ज्वाइंट सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि हमारे चीन के साथ मुंसलिक हैं मफादात और चाइना नाउ इज अ पार्टी टू द कश्मीर डिस्प्यूट। जब से उनका लद्दाख का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जो इंडिया ने चाइनीज टेरिटरी भी क्लेम किए और पाकिस्तान टेरिटरी भी क्लेम किए, अब ये ना रहा कि अब पाकिस्तान और चाइना का क्या करें, लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि चाइना के लिए भी अब रेड लाइन जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है और सीपैक है। पाकिस्तान के लिए नाज़रीन इसलिए ये सलामती के लिए खतरा है क्योंकि जब अमरीका अपनी जितनी जो टेक्नोलॉजी है वो डिफेंस हो, इंटेलिजेंस हो, जितनी जो टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर करेगा भारत को, और आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत का एक 3 जंगें भी हमने लड़ी हैं और हमेशा पाकिस्तान और भारत कोशिश करते रहे कि कन्वेंशनल बैलेंस रहे, और अमेरिका ने भी कोशिश की माजी के अंदर कि वो कोई इस तरह की हरकत ना करे कि ये साउथ एशिया में जो बैलेंस है वो इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में टिल्ट हो जाए, लेकिन चीन की मुखालफत की वजह से अब वो जो अप्रोच है अमेरिका की वो खत्म हो चुकी है और ये जो इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क है ये क्लियरली उसकी तरफ इशारा कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या कंसर्न है? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो इतनी जो डीपन होगी टाइज इंडिया और अमरीका के दरमियान, जो टेक्नोलॉजी उनको मिलेगी तो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे, जो एक रिवायती हम बैलेंस मेंटेन करते हैं वो मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के एक मशहूर समाचार एजेंसी यूएस न्यूज ने एक खबर प्रकाशित किया था कि चीन ही भारत चीन सीमा पर जो 3488 किलोमीटर तक फैली हुई है तनाव पैदा करने के लिए दोषी है। भारतीय सैनिक सावधान थे और सक्षम थे, इसलिए भारत का कोई भी जमीन चीन अपने कब्जे में नहीं ले पाया। समाचार पत्र आगे लिखता है कि उस घटना में 20 भारतीय सैनिक और 35 चाइनीज सैनिक मारे गए थे। यह रिपोर्ट गलवान घाटी में 15-16 जून की हुई घटना के करीब 2 महीने बाद अमेरिका द्वारा अपने स्तर पर स्वतंत्र जाँच कराने के बाद 1 सितंबर 2020 को प्रकाशित किया गया था। यही कारण है कि अमेरिका की शीघ्रता भारत की सुरक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जैसा कि चर्चा में आपने सुना भी कि ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में भारत से 3 महत्वपूर्ण सैनिक समझौते किए थे, पर आज की चर्चा में जिस दस्तावेज की चर्चा हो रही है वह अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क 2018 है, जिसकी पाकिस्तान मीडिया में जो चर्चा हुई उसका कुछ अंश अभी आपने सुना भी। इस फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट के अनुसार चीन को एक बड़े विस्तारवादी देश के रूप में माना गया है, जिस पर लगाम लगाने की सख्त आवश्यकता है। अगर लगाम अभी नहीं लगाया गया तो भविष्य में चीन एक बड़े खतरे के रूप में उभर सकता है। दस्तावेज यह भी कहता है कि लाइक माइंडेड देशों को एक साथ मिलाकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इस दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत को हर प्रकार से मदद दी जाए ताकि वह चीन को लगाम लगाने में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सके, क्योंकि भारत और चीन की सीमा सटती है। हालांकि पैसिफिक ओशन से भारत के सीमा क्षेत्र का कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु भारत का रोल बड़ा करने के लिए पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है ताकि भारत की सक्रियता और बढ़े। और इसी का अनुसरण में क्वाड संगठन का जो गठन हुआ है उस क्वाड में यूएस सहित भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। आप लोगों को यह पता है कि क्वाड संगठन ने साउथ चाइना सी में चाइना की घेराबंदी कर रखी है और यह साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का ही एक भाग है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को यह डर बना रहता है कि भारत जितना ही मजबूत होगा भविष्य में उतना ही पाकिस्तान के लिए वह ज़्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान को और भारत की दुश्मनी तो जग जाहिर है, पर अब चीन के खेमे में पाकिस्तान के चले जाने से अमेरिका के भी वह निशाने पर है। एक समय अमेरिका ही पाकिस्तान का पुराना दोस्त था, पर पाकिस्तान की गलत विदेश नीतियों के कारण अमेरिका भी पाकिस्तान से दूर जा रहा है और साथ ही
पाकिस्तान के जितने भी पुराने दोस्त थे सऊदी अरेबिया यूएई आदि, वो भी पाकिस्तान से एक एक करके पीछा छुड़ा रहे हैं। पाकिस्तान को यह जरूरत है कि अपनी विदेश नीति को सुधारे, अपनी अर्थनीति को सुधारे, और भारत से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने नहीं जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।